नमस्कार भक्तों, श्री दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में आज मैं आप सभी की मुलाकात दंदरुआ धाम में आए हुए पंडित जी से करवाने जा रहा हूं और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी। इनके द्वारा आज के दिन एक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर हनुमान जी सरकार के चरणों में हुआ है। त्रैमासिक पत्रिका है ये, जिस पत्रिका में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए इन लोगों ने एक नई जो है पत्रिका निकाली है। उस पत्रिका की जानकारी पूरी जानते हैं हम पंडित जी महाराज जी से, और किस तरह से पत्रिका में क्या क्या लेख प्रत्येक त्रैमासिक पत्रिका में आएगा आप सभी जानकारी लेंगे पूज्य पंडित जी महाराज जी से। महाराज जी, दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्त लोग जुड़े हैं उन सभी की ओर से आपको जय श्री राम। सभी भक्तों को अपना परिचय दें कि आप कहां से आए हैं। हम लोग ग्वालियर से आए हुए हैं और यहां समाज के, ब्राह्मण समाज के, आदिगौड़ अहिवासी ब्राह्मण समाज की सी एक पत्रिका, मासिक पत्रिका हमने आज लॉन्च की है और श्री हनुमान जी के चरणों में यह पत्रिका रखकर समाज के जनेऊ संस्कार है, समाज में स्वास्थ्य है, ज्योतिष है और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इनके माध्यम से समाज को जागरूक करना है और समाज की कुरीतियों को भी समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे और समाज आगे कैसे बढ़े, सभी लोग उन्नति करें, तरक्की करें, इसके विषय में पत्रिका के बारे में हम लोग बताएंगे। पत्रिका के माध्यम से हम जमीनी स्तर पर समाज के सभी लोगों का इसमें फीडबैक लेना चाहेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में इस पत्रिका के माध्यम से हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलें। जो दंदरुआ धाम यूट्यूब चैनल माध्यम से जो भक्त लोग जुड़े हैं, वो भक्त लोग अगर आपकी पत्रिका को श्री सौभरी समृद्धि संकल्प के नाम से जो त्रैमासिक पत्रिका है उसको लेना चाहते हो तो किस तरह से ले सकते हैं? वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके हमसे पत्रिका ले सकते हैं। आपका पता क्या है? एक ठाटीपुर सुरेश नगर से, न्यू सुरेश नगर से डॉक्टर साहब के यहाँ से, या हमारे यहाँ लश्कर से, बालाबाई के बाजार से पत्रिका ले सकते हैं या फ़ोन करके पत्रिका उनको उपलब्ध हम लोग करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने भी दंदरुआ धाम मंदिर में काफ़ी समय दिया है, दंदरुआ धाम के चमत्कारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दंदरुआ धाम मंदिर मैंने जितने मंदिर देखे उनमें सबसे चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ हनुमान जी के यहाँ आकर के कई कैंसर के मरीज, कई अन्य तरह के मरीज बिल्कुल सही होकर जाते हैं और अपने भाव से निर्मल होकर महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद पाकर, महाराज जी यहीं रहते हैं और महाराज जी का अमूल्य आशीर्वाद पाकर स्वस्थ होकर जाते हैं। तो इस धाम की महिमा का वर्णन मैं अपने शब्दों में करने में समर्थ नहीं हूँ। इसकी महिमा अनंत है और हनुमान जी महाराज जी की महिमा अनंत है और हमारे महाराज जी की महिमा अनंत है। जी दंदरुआ धाम पर आपने बहुत सारा समय दिया है, यहाँ पर कहाँ कहाँ से, किन किन प्रदेशों से भक्तों का जमावड़ा प्रत्येक मंगलवार को होता है? मैं बुढ़वा मंगल पर, गुरु पूजन कार्यक्रम पर, हनुमान जयंती पर, सभी समय पर यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मैंने देखा देश के कोने कोने तक इस मंदिर की प्रतिष्ठा है, इस मंदिर का भाव है, लोगों में भक्त हैं, चारों तरफ महाराज जी के भक्त हैं, कोने कोने से भक्त आते हैं और यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेकर और अपनी सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करके ही जाते हैं। बुढ़वा मंगल जैसे बड़े बड़े आयोजनों में, बड़े बड़े मेला जो दंदरुआ धाम में लगते हैं, उन पर लगभग कितने भक्तों का जमावड़ा दंदरुआ धाम? जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, पिछले 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ तो प्रति साल दर साल यहाँ भक्त बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले साल का मैं अनुमान लगाऊँ तो लगभग 5 लाख से ऊपर भक्तों ने उस दिन दर्शन किए थे, मनोकामना सिद्ध किए। इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस धाम की, इस स्थान की महिमा अनंत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल शर्मा जी को, जिन्होंने दंदरुआ धाम में काफ़ी समय दिया है और उनके द्वारा दंदरुआ धाम की महिमा सुनी है। मिलते हैं फिर किसी अगले वक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।